अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कफ्तान जो अरब की ख़वातीन पहनती हैं। ये उसी स्टाइल में है। इसके लिए तकरीबन मैंने कपड़ा लिया है 2.5 गज, और इसके लिए जो लेस ली है मैंने वो 5 गज है। जो चौड़ी लेस है वो 5 गज है और 2 गज बारीक लेस ली है मैंने। सबसे पहले कपड़े को सीधा बिछा लेना है। इसकी लंबाई रखी है मैंने 35 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं सिलाई के लिए, तो तकरीबन 37 इंच मैंने इसकी कटिंग की। इसकी लंबाई जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अलग कर लिए। इसकी चौड़ाई ली है मैंने तकरीबन 44 इंच, तो ये मैं कपड़ा अलग कर रही हूँ। इसके नाप लेने का तरीका ये है कि जिसका भी ये है कप्तान, तो उसके हाथों को बिल्कुल सीधा रखें और एक कलाई से लेकर दूसरी कलाई तक इंची टेप से नाप करें। मैंने भी इसी तरह किया तो इसकी 44 इंच बनती थी। 5 इंच की लेस है तो दोनों हाथों पर जो कलाइयाँ हैं उन पर लेसेस लगेंगी, और बीच के जो कपड़े की चौड़ाई है वो 44 इंच है। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब मैं गले की कटिंग करूँगी। पहले मैं फ्रंट की कटिंग करूँगी, तो इसके लिए मैंने नाप रखा है 3.5 इंच की चौड़ाई, और लंबाई भी रखी है मैंने 3.5-4 इंच तक तकरीबन। ये सामने गले की है। पीछे का गला मैं थोड़ा छोटा रखूँगी, तो पीछे की जो चौड़ाई है वो कम होगी लंबाई। इसको राउंड में शेप दूँगी गोलाई में। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। सबसे पहले पिछले गले की कटिंग करूँगी, और इसी कपड़े को मैं पीछे से हटाकर ये सामने वाले गले की कटिंग करूँगी। शोल्डर की कटिंग मैंने इसलिए नहीं की है कि मैं इसको सिर्फ यहाँ से फोल्ड करूँगी, कटिंग नहीं करूँगी, और कटिंग करने से या फोल्ड करने से पहले मैं इसकी सिलाई लगाऊँगी। तो ये अभी मैं कपड़े को सीधा कर रही हूँ और सिर्फ सामने का गला कटिंग करूँगी। ये देखिए, गला मैं ज़्यादा फैला हुआ नहीं करूँगी, ज़्यादा नीचे नहीं करूँगी। देखिए इतना सही मिल गया है। ये देखिए दोनों, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है सामने गले में और पिछले गले में, क्योंकि मुझे नीचे तक नहीं रखना। और अब मैं कपड़े को सीधा रखूँगी और कलाई का जो नाप है वो लेकर तो कपड़े पर भी वही करूँगी। ये मैंने 5 इंच तक तकरीबन लिया होगा ये कलाई। वैसे कम है लेकिन 1-1 इंच 1.5-1.5 इंच मैं सिलाई में लगाऊँगी। ये देखिए लेस भी मैं इसी तरह लगाऊँगी। जो 1.5 इंच या 2 इंच का कपड़ा है मैं लेस के अंदर लूँगी और लेस को बाहर निकालूँगी। ये मैंने चौक लगा लिए हैं इस पर। सिलाई मैं यहीं तक करूँगी इसकी। और ये मैंने एक्स्ट्रा जो कपड़ा कटिंग किया था लंबाई लेने से पहले, तो इसी के ऊपर मैं गोलाई में गला बिछाऊँगी, तो इसका बिल्कुल राउंड में कटिंग करूँगी। नीचे का कपड़ा है ये, और ये ऊपर का है। इसको मैं चौक के निशान के साथ बिल्कुल इसी शेप पे कटिंग करूँगी। देखिए ये गोलाई में निशान लगाए, और ऊपर के कपड़े को मैं हटा लूँगी, और ये ऊपर के कपड़े को मैं हटा लूँगी यहाँ से, और इसकी गोलाई में कटिंग करूँगी 3 से 3.5 इंच तक कपड़ा रख कर फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। देखिए इसकी बिल्कुल सीधी सीधी कटिंग करनी है। अगले और पिछले गले के जो मैंने शोल्डर नहीं कटिंग की है, तो इसलिए मैं पट्टी भी इसकी गोल ही लगाऊंगी। मैं इसको सीधा कर रही हूँ। इसको इसी तरह करना है। ये कटिंग कर ली मैंने। शोल्डर को मैं सिर्फ मोड़ूंगी, कटिंग नहीं करूँगी ऐसे।
देखिए बहुत ज़्यादा 3, 3.5 या 4 इंच तक भी आप कपड़ा लें तो दोनों तरफ से सिलाई बंद करने के लिए तो थोड़ा कपड़ा और होना चाहिए, आधा इंच दोनों तरफ से जाएगा कपड़ा, तो ये 3 इंच तक बचेगा। ये मैंने कटिंग की है इसकी। मैं इसके किनारे बंद कर लूँगी, सबसे पहले गले पर लगाने से पहले मैं इसके किनारे बंद करूँगी। और अब मैं चौक लगा लूँगी, सामने गले का और पिछले गले का साइडों से चौक लगा लूँगी, चौक के साथ निशान लगा लूँगी। इससे पहले मैं लेस लगाने से पहले मैं इसको आधा आधा इंच तक फोल्ड करूँगी। यहाँ से ये कपड़ा रख लिए हैं मैंने, आधा इंच तक फोल्ड करूँगी। चौक का निशान इसलिए लगा रही हूँ कि पहले मैं सिलाई करूँगी, इसी के ऊपर लेस लगाऊँगी, तो दोनों तरफ से मैं इसके निशान लगा रही हूँ। दरमियान में निशान लगाने के लिए इस तरह फोल्ड करके, तो आप ये दोनों तरफ से बराबर लगा सकती हैं। अब मैं इसकी फोल्डिंग कर रही हूँ, ये कटिंग नहीं है, सिर्फ फोल्डिंग है। यहाँ से इसको मैं फोल्ड करूँगी। नाप लेने का तरीका मैंने जो बताया है आप इसी तरीके से करिएगा, बिल्कुल दोनों हाथों को सीधा रखकर, एक कलाई से लेकर दूसरी कलाई तक इंची टेप को बिल्कुल सीधा रखना है। तो मैं दोनों साइड से फोल्ड कर रही हूँ और बारीक सी खूबसूरत सी लेस है वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि चौड़ी लेस मैं ऊपर नहीं लगा सकती, तो दो तरह की लेसेस मैंने लिए हैं। पहले मैं गले पर लगाऊंगी, इसके बाद लंबाई में शोल्डर में, बिल्कुल नई चीज़ हो जाएगी इस तरह से। तो ये मैं फोल्ड करके दिखा रही हूँ आपको, ये देखें। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेस लगाऊंगी गले पर, एक शोल्डर से लेकर दूसरे शोल्डर तक, तो इस पर मैं चौक के साथ निशान लगा लूँगी आधे इंच का फासला रखकर, क्योंकि जो हमने गोलाई में जो कपड़ा कट किया था उसको मैं पलटाऊँगी, तो सबसे पहले मुझे आधे इंच का कपड़ा यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। अब मैं ये लेस लगा रही हूँ यहाँ पर, देखिए लेस लगा रही हूँ। लेस थोड़ी चौड़ी थी यानी कि मोटाई थी, तो मशीन इस पर स्लोली चल रही थी, तो हल्के हाथों से मैं बिल्कुल लगा रही हूँ। आप चाहें तो पहले ग्लू गन के साथ इसको चिपका लें, मैं इसको सिलाई से चिपकाऊँगी। पहले एक तरफ की सिलाई करूँगी फिर दूसरी तरफ की सिलाई करूँगी। इस लेस पर भी सितारे लगे हुए हैं, जैसे चौड़ी लेस पर लगे हैं वैसे ही इसी तरह लगे हुए हैं इसमें भी। अब इसके धागे नहीं निकलते तो मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी। ये जो मैंने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर मैं इसको गाइडलाइन बनाते हुए इसको कटिंग करूँगी। अब मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ, ये सिलाई कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये सिलाई लगा ली और अब मैं शोल्डर की तरफ लेस लगाऊंगी। ये देखें दोनों तरफ से मैं लगाऊंगी लेस। ये कलाई पर लेस लगाने से पहले मैं यहाँ पर लेस लगाऊंगी।
मैं लगा रही हूँ लेस। आप अपनी सहूलत के हिसाब से चाहे तो ग्लू गन के साथ इसको लगा लें, चाहे तो हाथ से लगा लें, तो आपको इस तरह से सहूलत हो जाएगी। सारी लेसों को लगाकर फिर एक ही सिलाई लगाएं। देखिए अब मैं यहाँ से भी इसको कट कर दूँ जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा है, तो यहीं से फोल्ड कर लूँगी और दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह करना है। धागा कटिंग कर लूँगी यहाँ से। अब मैं दूसरी तरफ की लेस लगा रही हूँ। ये पार्टी वेयर के हिसाब से ये ड्रेस बहुत ही अच्छा रहेगा, या रिश्तेदारों में कोई शादी वगैरह हो तो आप ये सूट बना सकती हैं, या वैसे ही ईद पर तो ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है। जैसे ऊपर से देखा जाए तो बिल्कुल भी गला वगैरह आस्तीन वगैरह कोई चीज़ हैवी नहीं है, सिर्फ दामन पर ही बड़ी लेस है, तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा डिसेंट लगता है ये कपड़ा। अब मैं दामन की फोल्डिंग करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर भी लेस लगानी है। कपड़ा हिल न जाए इसलिए मैं लेस को पहले पिनों के साथ सेट करूँगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और इसका गला भी फोल्ड करूँगी और इसके गले के किनारे किनारे की सिलाई लगा रही हूँ मैं अभी। ये मैंने सिलाई लगा ली अब यहाँ से। अब ये गले को मैंने सीधा सीधा रखा है और जो कपड़ा मैंने अलग से बनाया था उसको मैंने दोनों तरफ से चौक लगा लिया है। चौक या कट लगाने से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा अगला और पिछला गला कौन सा है, कहाँ पर हमें कपड़े को सीधा रखना है और कहाँ से छोड़ना है। तो दोनों तरफ से मैं पिन लगा रही हूँ। अब मैं इसकी सिलाई करूँगी यहाँ से, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही कपड़ा मैं पट्टी के लिए लूँगी क्योंकि नीचे मैंने लेस लगाई, उस पर भी मुझे ध्यान रखना है। आप चाहें तो पूरे गले पर पहले पिन लगा लें, हाथ से कच्चा कर लें, बाद में पलटें सिलाई करके। मैं गोलाई में सिलाई लगा कर फिर इसको छोटे छोटे कट लगाऊंगी पूरी गोलाई में। कट लगाने से ये होगा कि गला पलटाने में आसानी होगी। अब मैं तकरीबन पूरा कर चुकी हूँ। और हाथ से इसको तुरपाई कर लूँगी पलटा कर। यहाँ से शुरू किया था सिलाई करते हुए वहाँ तक ख़त्म करना है। अब मैं कटिंग कर लूँगी, छोटे छोटे नोचेस लगा लूँगी एक एक डेढ़ डेढ़ इंच के फासले से ताकि गला पलटाने में मुझे आसानी हो। गोलाई में कपड़ा काटते हुए मुझे कपड़ा ये फैला हुआ लगा गला, तो मैंने कट लगा कर एक तरह से सिलाई कर ली ताकि ये कपड़ा थोड़ा सा छोटा हो गया। मैं अब ये किनारे किनारे की सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसको तरपाई करूँगी, तो पहले मैं इसको यहाँ से जहाँ से मैंने जोड़ा है वहीं से इसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी। क्योंकि ये आई शेप का गला है तो
जो गोल गला मैंने सिया था वो फैला हुआ था, मैंने छोटा सा कट लगा कर इसको दोबारा सी लिया। अब मैं इसको पिने लगा रही हूँ यहाँ से। ये पहले इसकी लंबाई मैंने नाप ली कि लेस लगाने के बाद लंबाई फैल न जाए। मैं पिने लगा के हर तरफ से सेट करूँगी इसको। ये मैं पिने लगा रही हूँ। हर तरफ से मैंने पिने लगा ली इसकी, क्योंकि नीचे कपड़ा मोटा या छोटा ना हो जाए, इसलिए हर तरफ से मैंने नापा है इसको। हर तरफ से पिने लगा ली है मैंने इसको। ये छोटा या बड़ा आप अपनी मर्जी से कर सकती हैं। ये पोल लाइन पे होता है, पूरी लंबाई इसकी होती है। आप चाहे तो छोटी भी रख सकते हैं, ये जो कफ्तान की लंबाई है वो छोटी भी रख सकते हैं। अब मैंने लेस को लगा लिया है। किनारे किनारे से मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल एहतियात के साथ लगानी होती है, क्योंकि मशीन उतर जाती है, लेस बहुत ज़्यादा मोटी थी और कपड़ा नीचे से पतला था, तो लेस उतर जाने का खर्चा था। तो आस्ते आस्ते मैं सिलाई इसकी कर रही थी। दामन में लेस लगाने के बाद मैं जो बचे थे लेस, तो मैं आस्तीन पर वो लगाऊंगी। ये देखें, आस्तीन पर लेस लगा रही हूँ। तो मैं जो दरमियान में से गोलाई बनी हुई है लेस पर, तो वो मैं बिल्कुल लेस के दरमियान में रखूँगी। ये देखें, ये वैसे तो इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन मैंने फिटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा जितनी कलाई है उतनी ही फिटिंग रखी है इसकी। ये देखें, ये मैं फोल्ड करते हुए कटिंग कर रही हूँ इसकी। दोनों हिस्सों को बराबर रखते हुए मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि दरमियान में मुझे नोक ही लानी है जो लेस पर नज़र आ रही है, नोकीली। तो वो मैं दरमियान में लेकर आऊँगी वो चीज़। तो अभी मैं सिलाई लगा रही हूँ इसकी। ये भी किनारे पर भी लगेगी। आप चाहें तो पहले कपड़े की किनारी फोल्ड करें, बाद में इसके ऊपर लेस को सेट करें। मैं इसी तरह इसको कर रही हूँ। मैं इसको सिलाई करूँगी यहाँ से। आप भी इस तरह डिज़ाइनर लेस लेकर इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब मैं इसके साइड बंद करूँगी, दोनों साइड को फोल्ड करूँगी। कलाई जो मैंने नाप ली थी वो 7 इंच थी। जो कलाई की तरफ हिस्सा था वो 3.5 इंच तक, अभी यहाँ से 4 इंच तक मैं नाप रही हूँ। बाद में पहनने के बाद ये लूज़ होता है, तो मैं इसको 3.5 इंच तक करती हूँ। ये अब मैं किनारे किनारे की सिलाई लगा रही हूँ। किनारे बंद कर रही हूँ मैं इसके, इसकी कोई फिटिंग नहीं होती, तो बिल्कुल सीधी सिलाई होती। कोई गोलाई कमर की हिप्स की कोई गोलाई नहीं होगी, इसको बिल्कुल सीधा में सीऊंगी। और ये देखिए मैंने सी ली है इसके, और इसकी डबल सिलाई भी करनी बाद में। तो सिलने के बाद ये इसकी फुल लुक है। ये देखिए,
वहाँ से। ये इसकी लेस डिजाइनर लेस है, ये अक्सर शराराओं में लगती है, जैसे लहंगे बनते हैं शादियों के। वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़ अगर आपको पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।